नमस्कार, मैं रोहित। आप देख रहे हैं संसद वाणी न्यूज। आप ये बताएं कि आप किस केलर में प्रेस किए? ये सबसे पहले सैंपल रिसीवी था, जो मैंने बताया था आपको, इसमें सैंपल का रिसीव किया जाता है और कंफर्मेंट का मिलान किया जाता है। उसके बाद मैंने आपको एक्सपेक्शन रूम के बारे में बताया। एक्सपेक्शन रूम में जाता है, वहाँ एक्सपेक्शन किया जाता है। एक्सपेक्शन कम्प्लीट होने के बाद मैंने आपको किस भी दिखाया, मास्टर मिक्स, उसमें मास्टर मिक्स तैयार किया जाता है। उसके बाद आप PCR लैब में ले जाते हैं, वहाँ PCR होने के बाद फाइनल रिपोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर रूम में जाता है। तो फाइनल कंप्यूटर में जाता है तो वहाँ की रिपोर्ट आप किसे सप्लाई कर बताते किसे देता है सूचना देता है? वहाँ की रिपोर्ट सीधे लखनऊ को जाती है कोविड पोर्टल पर। तो आप ये बताएं कि ये सभी प्रक्रिया पूरा करने में कोई समस्या तो नहीं आ रही? अभी तक तो उस चल रहा है, थोड़ा नेटवर्क की दिक्कत आती है। एक दिन में कितने हो जाते हैं? 250 से 300 करीब चलते। आप ये बताएं कि ये जांच कराने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? जांच कराने की आवश्यकता पड़ रही है ताकि जिसको कोविड है वो पता चल जाए, और जिसको कोविड नहीं है उसको बाहर जाना उसको भी जरूरी है कि जो अपना प्रदेश छोड़ के दूसरे जगह कहीं जा रहा है तो कोविड की आवश्यकता पड़े। ये तीसरी लहर की आवाज सुनाई दे रही है, इसके बारे में आप लोगों को क्या करना चाहते हैं? इसी लहर के लिए हम लोग पूरा तैयार है, सरकार जैसे भी अनुमति देती है तो उसको हम लोग किसी प्रकार से लड़ने की उसको तैयार है। देश व दुनिया की खबरों के लिए देखते रहें संसद वाणी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम जो भी मुद्दा उठाएं वह आप तक सबसे पहले पहुंचे।